من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا إن من أبغضكم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون المتشدقون. قيل وما المتشدقون؟ قال المتفيهقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں, اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے ہیں اور زبان دراز ہیں اور منہ کھلا کھلا کر بولتے ہیں, فصاحت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں بولنے میں. یہ بد اخلاقی اور تکبر کی علامت ہے, بد اخلاقی, چرب زبانی, سخت کلامی, زبان درازی اور اپنی بڑائی کا اظہار, اپنی مہارت کا اور زبان دانی کا اظہار. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی بڑی اہمیت اور قیامت کے دن اس کا فائدہ بتایا ہے کہ حسن اخلاق قیامت کے دن بہت ہی زیادہ مفید اور نفع بخش ثابت ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق, قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا جس سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس میں سب سے زیادہ جو بھاری اور وزنی چیز ہوگی قیامت کے دن فرمایا وہ حسن اخلاق. کتنی بڑی بات بتائی گئی. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم, کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفلی روزے دار اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی دو لوگ ہیں, ایک شخص ہے کہ فرض کے علاوہ رات میں نوافل تہجد کا اہتمام کرتا ہے, 8 رکعت 12 رکعت یا 20 رکعت 40 رکعت رات میں نماز پڑھتا ہے, اور دن میں روزے رکھتا ہے نوافل, رمضان کے تو رکھتا ہی ہے, مہینے میں 8 دن 15 دن 20 دن روزے سے رہتا ہے,
नफली रोजे से। और एक शख्स है, लेकिन ये जो है हुस्ने अखलाक में कम है, हुस्ने अखलाक में कम है इसका दर्जा, या कहोगे अखलाक उसके बेहतर नहीं है, अखलाक कम दर्जे के उसके। और एक शख्स है जो सिर्फ फराइज का एहतमाम करता है, फराइज में कोताही नहीं है, फराइज का तो पूरा एहतमाम करता है, 5 वक्ता नमाज अदा करता है, रमजान के रोजे रखता है, जकात दे देता है, जो हज फर्ज हो जाता है हज कर ले, लेकिन हुस्ने अखलाक में बड़ा हुआ है, शख्स आला अखलाक वाला है, तो ये उसके दर्जे में पहुंच जाएगा। हालांकि वो तो कितना मुजाहिदा करता है, रातों में उठ उठ के रात भर नमाज पढ़ता है, ये तो सो जाता है ठप्पे से ईशा के बाद, और सिर्फ रोजे रमजान के रखता है, बाकी रखता भी नहीं, वो तो 20-25 दिन महीने में रहता है हर पूरे साल भर, लेकिन ये उसका दर्जा पा लेगा। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुस्ने अखलाक की वजह से वो उसका दर्जा पा लेगा। बल्कि एक रिवायत में तो दो औरतों का मसला पूछा गया आपसे, एक औरत है कि वो नफली वही नमाजे रोजे की पाबंद है, लेकिन वो बद अखलाक है, पड़ोसियों को सताती है, तो फरमाया गया कि वो दोजख में जाएगी, उसको सजा मिलेगी उसके गुनाहों की। और एक औरत है जो सिर्फ फराइज का अहतमाम करती है, कुछ थोड़ा बहुत मैसर होता है, पनीर के टुकड़े वो सदका कर देती है, नवाफिल का ज्यादा जखीरा नहीं है उसके पास, लेकिन सब उससे महफूज हैं, अखलाक उसके बढ़िया हैं, पड़ोसियों को सताती नहीं है, तो कहा कि वो जन्नती है। एक हदीस में पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक हदीस में वारिद हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अक्सर मा युदखिलुन नास अलजन्ना, वो कौन सी चीज है बड़ी अहम के जो लोगों को जन्नत में ले जाने वाली है, तो फरमाया तक्वल्लाह व हुस्नुल खुलुक, दो चीजें जन्नत में ले जाने का जो जरिया बनेगी, ज्यादा मेन बातें दो हैं, अल्लाह का तक्वा और हुस्न अखलाक। अल्लाह के तक्वे की वजह से अल्लाह का फर्ज नहीं छोड़ता है, हराम काम नहीं करता है, और हुस्न अखलाक की वजह से लोगों को सताता नहीं। और पूछा गया कि कौन सी चीज है जो जहन्नम में ज्यादा ले जाएंगी मेन मेन बातें, तो फरमाया अल्फम वल फर्श, मुंह मुंह जबान और शर्मगाह, इनका गलत इस्तेमाल जो उसको ले जाएगा। मुंह में ज्यादातर तो मुराद ये बदकलामी और लव बातें, हराम बातें, जबान दराजी की बातें, अजियत पहुंचाने वाली बातें, और हराम खाना भी हो सकता है दूसरे नंबर पर, और शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल ये जहन्नम में ले जाने वाला है। एक हदीस में आया ना कि अहल यकुब्बुन्नास अला वुजूहिहिम, कि लोगों को जो जहन्नम में गिराई गई वो इल्ला हसाइद वलसन, इन जबान की खेती ही तो है, जो जबान के करतूत है वही तो जहन्नम में ऊंधे मुंह गिराएंगे। हुस्ने अखलाक किसको कहते हैं, जो इतनी तारीफ की गई है जिसकी, हुस्ने अखलाक तो उसकी एक तारीफ ये की है बाज़ उलमा ने कि बदरुल मारूफ व कफ्फुल अदा व तलाकतुल वजह, नेकी और हुस्ने सुलूक और नफा आम रखना, अपना अपना नफा आम रखना, सब लोगों को फैज पहुंच रहा है उससे, कोई ना कोई फैज पहुंच रहा है, किसी को चाय पिला देता है, किसी को खाना खिला देता है, किसी को कर्ज दे देता है, किसी की मदद कर देता है, और लोगों के साथ नेकी का बर्ताव करता है। कफ्फुल अज़ा, अपना शर रोकना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे,
सबको फैज पहुंचे, नफा पहुंचे, फायदा हो लोगों को अपनी जात से, नुकसान ना हो किसी को, तलाकतुल वजह, और चेहरा खुश रखे, जिससे मिले खिला हुआ चेहरा रखे। ये हुस्न अखलाक की अच्छी और जामे तारीफ फरमाई। एक हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुकुम मन युर्जा खैरुहु व युअमनु शर्रुहु, शर्रुकुम मन ला युर्जा खैरुहु मन ला युअमनु शर्रुहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसकी खैर की तवक्को हो, सबसे बेहतर वो है जिसके खैर और नफे की तवक्को हो, यानी जो मिले या जो भी शख्स हो वो उससे उम्मीद रखे कि यार मेरा काम इससे बनेगा, आता हुआ देखे तो उससे उम्मीद रखे ये शख्स आ रहा है इससे मुझे नफा पहुंच जाएगा, यार ये मुझे काम, मेरा काम करवा देगा, ये मुझे कर्ज दे सकता है, ये मेरी दावत करे शायद, ऐसा लगता है ये मेरी सिफारिश कर देगा, ये मुझे चाय पिला देगा, तो उसके खैर की, उसके नफे की तवक्को हो लोगों को, क्योंकि तो उसकी हिस्ट्री देख रखी है ना, सबको फायदा पहुंचाता, आते के साथ ही लोग खुश हो जाते हैं, आइए अब अपना कुछ ना कुछ काम हो गया, वो शख्स सबसे अच्छा है, और उसके शर से महफूज हो लोग, इससे तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल नो टेंशन रहो, कोई परेशानी नहीं है अपन को, इससे आ जाए तो अच्छा ही है, और ये मेरे पड़ोस में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ये मेरी सीट पे बैठ जाएगा तो अच्छा रहेगा, इससे कोई अपन को जरर नहीं, वो शख्स। और बदतरीन शख्स वो है कि जिसके खैर से लोगों को नाउम्मीदी हो, अरे 1 रुपए की भी तवक्को मत रखना उससे, उसके पास मत जाना, वो नहीं देगा, वो लाखेरा आदमी है यार, वो कर्ज दे देगा, अरे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दे सकता, सिफारिश कर देगा, नहीं वो तेरा कोई काम ही नहीं करने देगा, और कुछ काम नहीं हो। और जिसके शर से लोगों को डर हो, इत्मीनान हो, या पता नहीं आ रहा है क्या गाली बकेगा या मारेगा क्या करेगा जी, तो जिसके शर से लोगों को डर लगा देते हैं, अब तो बस लोगों को बस दामन समेट लेते हैं, तो वो आदमी सबसे बदतरीन, यही हुस्न अखलाक यही बद अखलाकी, तो आदमी को ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए कि मखलूक खुदा वो हमसे महफूज हो और फायदा पहुंचा रहना। और इमाम अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ ऐसे रहो कि कोई मखलूक हाइल ना हो, कोई मखलूक हाइल ना हो, तुम भी मखलूक हो, अपना नफ, अपना भाई, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने पड़ोसी, भाई अब हमारी इबादत है का वक्त है, आप बैठिए तशरीफ ले जाइए, अब हम इबादत करेंगे, हमारा फर्ज का वक्त है, इस वक्त हम कोई कोई भी हो हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह से मुआमला हो तो मखलूक बीच में हाइल ना हो, और मखलूक से मुआमला हो तो नफ्स बीच में हाइल हो, बद अखलाकी की वजह अपना नफ्स बनती है, तो कहा मखलूक से मुआमला करो तो नफसानियत को हटा दो, अपनी अना को हटा दो, अपने आप को छोटा बना लो, अपना नुकसान गवारा कर लो, तवाज़ो इख्तियार कर लो, अपने भाई को बढ़ा दो, उसकी बात मान लो, अपनी बात हटा लो, अपनी बात को ले लो, तो ये बात बहुत ही जामे है, ये बात दोनों में, अल्लाह का तकवा के बीच में मखलूक का डर ना हो, और मखलूक के सामने फिर अपना नफ्स ना हो, तो हमको इसी तरीके से रहना चाहिए, अल्लाह के हुकूक की अदायगी ऐसी के फिर दुनिया की कोई भी चीज़ माने ना बने, और मखलूक के हुकूक की अदायगी में अपनी नफसानियत और अपनी ख्वाहिशात माने ना बने, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सवाल है? हाँ सारे सवाल है नहीं अच्छा एक चीज कदर नमाज अलग नहीं पढ़ व्हाट्सएप पे कर दें नमाज जो कजा होती है तो उसी वक्त में पढ़ ली कभी भी पढ़ सकते हैं कभी भी पढ़ सकते हैं अज़ान नंबर बस वो सूरज निकलते वक्त सूरज डूबते वक्त ना पढ़ो बाकी कभी भी पढ़ सकते हैं जिस वक्त फ्री हो आप